गाइस वेलकम टू मिशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएसएफ का हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मिनिस्टर यानी रेडियो मैकेनिक का कल जो बीएसएफ का पेपर हुआ, राजस्थान, जोधपुर, दिल्ली, यूपी सभी जगह में पेपर हुआ, उसका हम फुल एनालिसिस करेंगे और पेपर हमारे पास अवेलेबल है एकदम सही सटीकता के साथ। इस वीडियो में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, आइए पेपर देखते हैं और ये बीएसएफ का कल का जो पेपर है एनालिसिस करेंगे। 20 नवंबर 2022 का पेपर की हम बात कर रहे हैं, पिछली बार का एनालिसिस भी इसी चैनल पर किया हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और आइए हम चैनल पर इस पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्रश्न पूछते हैं संख्या कोड ये बी है और ये रेडियो ऑपरेटर का पेपर है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इसमें ये आपका इसमें कुछ डाटा आपको प्रीवियसली रखा है, एग्जाम कोड है, पेपर है, ये रेडियो ऑपरेटर का पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप जरूर पूरा देखें, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो आप जरूर देखें। इसमें भौतिक विज्ञान के 40 क्वेश्चन हैं जो 80 नंबर के हैं, रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चन हैं जो 40 नंबर के, और गणित के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन हैं 40 नंबर के। इस प्रकार 100 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स आपका 200 रहेगा और इसमें 0.25 का टॉप है, उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा वो इसका रहेगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन से हम भौतिक विज्ञान से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, यदि डायनामो आर्मेचर के घूर्णी वेग को दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा, यदि आर्मेचर के घूर्णी वेग को दुगुना किया जाए तो इसमें विद्युत वाहक बल भी डबल हो जाएगा क्योंकि इसमें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हमारे आंतरिक शरीर के अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा निदान में चुंबकीय अनुनाद MRI का उपयोग किया जाता है, प्राथमिक रूप से संभव है क्योंकि। इसका सही ऑप्शन और आंसर होगा, हमारे तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आयनों की गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी क्या होता है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारे तंत्रिका कोशिका शरीर में। ये जब MRI की मशीन चलती है तो हमारे तंत्रिका कोशिकाओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस प्रकार दोनों आपस में चुंबक बनाकर ये हमारे शरीर की छवि ले लेता है, जिससे मरीज की क्या बीमारी है और क्या जहाँ पे क्या कुछ भी कमी है उसको जांच करके इसके एक लिफाफे पर या पेपर पर इसका पूरा फोटो ले लिया जाता है। इस प्रकार MRI की जाती है। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का तात्पर्य किसके उत्पादन से है। इसका आपका सही आंसर, जब एक चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो एक कोयल में करंट उत्पन्न होता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। और जिन्होंने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है वो 100% सही करेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सोलेनोइड में एक नरम लोहे का टुकड़ा डालने पर क्या होता है। जब सोलेनोइड में नरम लोहे का टुकड़ा डालोगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र, ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र है तो और चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने के कारण लोहे की ताकत, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी बढ़ेगी। इस प्रकार ये चार क्वेश्चन का चौथे क्वेश्चन का आंसर बढ़ती है, ये सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगला पाँचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, जब एक ऐसी स्रोत एक प्रतिरोधक से जुड़ा होता है तब क्या होगा। प्रवाह चरण में वोल्टेज के पीछे रह जाता है, प्रवाह और वोल्टेज एक ही चरण में है, प्रवाह चरण में वोल्टेज की अगुवाई करता है। इसमें तीनों मतलब तीन में से ये ऑप्शन आपका सही होगा, प्रवाह और वोल्टेज एक ही चरण में है, ये आपका सही ऑप्शन है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका सही ऑप्शन आपका आंसर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर है 6, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक CD ऑडियो और वीडियो सिस्टम में प्रयुक्त कॉम्पैक्ट डिस्क सूरज की रोशनी में दिखाई देती है तब इंद्रधनुष जैसे रंग देखने को मिलते हैं।
ये आपका अपवर्तन, विवर्तन और संचरण यानी रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन तीनों के आधार पर समझा जा सकता है। जिन्होंने प्रतिबिंब विवर्तन ये वाले ऑप्शन किए हैं वो गलत हैं। इसका चौथा ऑप्शन 100% राइट होगा, ये मैं एकदम सही दिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश हवा की तुलना में कांच में धीमी गति से यात्रा करता है क्योंकि हवा का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम होता है। ये पहला ही इसका आंसर होगा। मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी तो आपने क्वेश्चन किए हैं। और इसके बाद अगला नौवां क्वेश्चन है, घटते क्रम में अल्फा बीटा गामा विकिरणों की परमाणु संख्या क्या है। तो सबसे ज्यादा शक्ति गामा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है और उसके बाद अल्फा की होती है। इस प्रकार इसमें गामा बीटा अल्फा होगा क्योंकि इसमें घटते क्रम में बताना इस प्रकार होगा। अगला दसवां क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट या रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। परमाणु विस्फोट होता है तो इसमें द्रव्यमान का ऊर्जा में इसमें रूपांतरण होगा। इसका सही आंसर है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण है। जिन्होंने रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का गर्मी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का गर्मी, तीनों इनका गलत आंसर होगा। लेकिन सही आंसर इसका द्रव्यमान का ऊर्जा में, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है तो इनमें से वोल्टमीटर है, ये अंतर मापता है यानी दो मतलब विभवों के बीच में अंतर मापता है, ये सही है। इसके बाद एमीटर है, विद्युत धारा मापता है, ये भी सही है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है, ये भी सही है। और उसके बाद मीटर ब्रिज विद्युत प्रतिरोध, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें चारों ऑप्शन सही है और BSF का रेडियो ऑपरेटर में ये आपको एक बोनस का अंक मिलेगा। बाकी इसमें जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनको ये 100% इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत संस्थापन में एक कमरे में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में ज्यादा उज्ज्वल है तो चमकीले बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। आप भी जानते हैं कि प्रतिरोध वाला सूत्र है R बराबर रो, R समानुपाती रो L अपॉन A, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो और चालकता, उसमें प्रतिरोध है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है, यानी सही समझिए, यानी चालकता क्या होता है, चालकता का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। इसका मतलब है जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसकी चालकता ज्यादा होगी वो है चमकीला ज्यादा होगा, इस प्रकार चमकीले बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। इसके बाद प्रतिरोध R वाले विद्युत परिपथ में एक संभावित अंतर V के माध्यम से धारा I की पूर्ण है, V और I यानी VA के उत्पाद के रूप में समझा जा सकता है। इसका आपका सही आंसर, सर्किट द्वारा विकिरण थर्मल पावर, सर्किट, ये आपका इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने ये सही किया उनका आंसर सही है। उसके बाद ओम का नियम परिभाषित करता है, ओम के नियम में क्या होता है, प्रवाह और वोल्टेज दोनों होता है, करंट और वोल्टेज दोनों होता है। इस प्रकार ओम का नियम में करंट और वोल्टेज दोनों को परिभाषित करता है। इस प्रकार एक प्रतिरोध केवल प्रवाह और केवल वोल्टेज नहीं होगा, इसका आंसर प्रवाह और वोल्टेज दोनों होगा। ये होगा, किसी को डाउट है तो वो सही क्लियर कर लें, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज के लिए प्रयुक्त सामग्री टिन और शीशा का मिश्रित धातु है, ये आप सभी को पता है। इसमें टिन और मिश्रित धातु ही मिलाया जाता है, लेकिन घरों में जो फ्यूज लगाते हैं उसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होना चाहिए। अगर गलनांक उच्च होगा, आप इसका एक बार विचार करके देखिए, अगर उच्च गलनांक होगा तो घरों में लगने वाला फ्यूज है वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने पर ज़्यादा वोल्टेज या घर में कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पर ये काम कैसे करेगा, वहाँ पर उच्च गलना होगा तो फ्यूज का तार गलेगा नहीं, और गलेगा नहीं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहीं पर आग जल जाएगी और फ्यूज लाइट को ड्रॉप नहीं कर पाएगा। इस प्रकार आपका कम विशिष्ट प्रतिरोध और कम गलना वाला फ्यूज का तार अगर काम में लिया हो तो आपका इसका आंसर 100% सही होगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि BSF के बारे में सभी जानकारी इसी चैनल पर पिछले साल भी 2019 में जो वैकेंसी थी उसी में मैंने सभी को अपडेट कराया था, और अब भी इसी वैकेंसी का सभी अपडेट इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगा।
जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, आपकी हमारे तरफ से बहुत ही ज़्यादा सहायता की जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर कभी बल नहीं लगाता, आवेशित कण पर सदैव बल लगाता है, यदि वे बल की चुंबकीय रेखाओं का पर घूमता है तो आवेशित कण पर बल लगाता है, यदि वे बल की चुंबकीय रेखाओं अनिश्चित गति करे तो आवेशित कण पर बल लगाता है। इसका आपका सही आंसर होगा यदि यह बल चुंबकीय रेखाओं के आर पार घूम रहा है तो आवेशित कण पर बल लगाता है। इसका सही आंसर ये होगा। इसके बाद सॉरी इसमें जो ऑप्शन दिया है एक मिनट में पूरा देख लेता हूँ। हाँ इसका केवल 3 ऑप्शन होगा, ये 4 किया है तो गलत है, लेकिन इसका सही आंसर 3 होगा। इसके बाद सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब वो अत्यधिक गर्म हो जाएंगे, तब इसके चुंबकीय गुण को खो देते हैं। कई लड़कों ने तेल में डूबे हुए किया है, तो ये तेल में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अत्यधिक गर्म होगा तभी तो वो अपने गुण खो देगा, क्योंकि गर्म होगा तो चलने लगेगा, इस प्रकार वो अपना गुण खोने लगेगा। अगला क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये बल का अनुभव करता है, नहीं करता है, क्योंकि असमान चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार ये कोई बल गुण का अनुभव नहीं करेगा। इस प्रकार चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन का संबंध है, ऑक्सीजन है जो अणु चुंबकीय सामग्री पदार्थ है उनके अंदर आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जब एक चुंबक को परावर्तन में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति वही रहती है, क्योंकि जब N और S दो उनके पोल बन जाते हैं यही रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यदि पेंडुलम पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वहाँ पर घड़ी धीमी चलेगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण प्रति के पैसा 1/6 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 22वां, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग चमगादड़ पर होने के मारे में आने वाली बाधाओं का पता करने के लिए करते हैं। चमगादड़ का पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक किरणों का तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि के वेग में परिवर्तन करने वाले कारक कौन से हैं, हवा में नमी की मात्रा इसमें प्रभावित करता है, हवा का तापमान और हवा की संरचना तीनों पर होता है निर्भर, लेकिन वायुमंडलीय दबाव से कोई ध्वनि प्रभावित नहीं होती है, इस प्रकार इसका सही आंसर 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ये ध्वनि होगा। सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर आपका संधारित्र होगा। ये आपका एकदम सही है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित होता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फैराड किसकी इकाई है, फैराड है जो कैपेसिटेंस की है, इसमें आपको कन्फ्यूजन करने के लिए समय लिखा है, लेकिन कैपेसिटेंस धारिता का मात्रक फैराड होता है, कंडक्टेंस होता है चालकता का मात्रक साइमन या ओम होता है, और उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इंडक्टेंस प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। इसमें आपको प्रेरकत्व लिख दिया और इसमें आपको समय लिख दिया, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए लिखा है। अगला क्वेश्चन है दावा किया है इसमें ब्रह्मांड में गुलाम बल हवाई बल है और दूसरा कारण है गुलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर होता है, तो इस प्रकार ये दोनों ही इसके ऑप्शन में गलत है, दावा और कारण दोनों ही गलत है, क्योंकि गुलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर होता है, ये ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य के बालों में घूमने वाली गति विद्युत आवेशित हो जाती है और बल की विद्युत रेखाएं बंद नहीं होती बल्कि चुंबकीय रेखाएं बंद होती है, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यदि दोनों समान गोले अलग अलग आवेशित होते हैं फिर संपर्क में लाए जाते हैं तो दोनों गोलों का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, इस प्रकार इसका सही आंसर बी होगा 30वें में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक राशि में किसकी विमा समान है, तो कार्य और ऊर्जा की विमा हमेशा समान रहती है, m1 l2 t-2 कार्य और ऊर्जा की विमा समान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चलती ट्रेन में एक यात्री ने 5 रुपये का सिक्का उछाला, यदि सिक्का उसके पीछे गिर जाता है तो ट्रेन त्वरण के साथ चल रही है। अगला क्वेश्चन आपका न्यूटन के पहले नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम है न्यूटन का पहले नियम, ये सभी को पता होना चाहिए। किसी वस्तु में स्थिति ऊर्जा घटती है तो इसका सही आंसर है आपका, इसमें आपका
का सही आंसर होगा केवल पोल, यानी पानी के हवा के बुलबुले के उठने पर इसमें स्थिति ऊर्जा घटती है, बाकी सभी में नहीं घटती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भूमध्य रेखा की तुलना में जीव पर कुछ बड़ा होता है। इसमें आपका सही, भूमध्य रेखा की तुलना में जीव पर कुत्वरण का मान बड़ा होता है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन 36वां, लोच के यंग के मापांक और सीमाओं के भीतर अनुदित तनाव के सामान्य तनाव के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपका सही है। लोच के बल मापांक को लोच या सीमा के भीतर सामान्य तनाव और वॉल्यूमेट्रिक तनाव के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें पहला और दोनों ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तापमान पर पंचर होने से कार के पहिए की नली के अंदर की संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है, फिर ट्यूब के अंदर की हवा ठंडी होने लगती है, ये रूल लगता है इसमें, ये ठंडी होने लगती है। इसका 37वां का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा निहित आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, तो इसमें इसका सही आंसर बी है, स्थिर दाब पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। इसके बाद 39 है क्वेश्चन, धीमी गति से चलने वाली पेंडुलम घड़ी को किसके द्वारा तेज किया जाता है? धीमी गति से चलने वाली घड़ी को बॉब की लंबाई कम करके इसको तेज किया जा सकता है, सी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 40वां में, जब कोई तरंग एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाती है तो इसमें वेग में परिवर्तन होता है, आयाम में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका क्वेश्चन BSF की तरफ से गलत दिया गया है। यहाँ पर जब कोई तरंग एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाती है तो किस में परिवर्तन नहीं होता है, ये ऑप्शन आना चाहिए था। इस प्रकार ये भी आपको क्वेश्चन बोनस मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर बताएं। इसके बाद हम रसायन विज्ञान का, इंग्लिश का और मैथ का शाम को मैं 9 बजे यह वीडियो अपलोड करूंगा। सभी को इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं और वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।